हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साक्षी किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं डिलीशियस पालक पनीर रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे मेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पालक पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक बर्तन में पानी को बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर पानी एकदम अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पालक के पत्ते। यहाँ पर हमने पालक लगभग 100 से 150 ग्राम लिया है, और इसे अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट तक पालक के पत्ते को बॉईल कर लिए हैं, और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेनर लिए हैं, और इसी में हम पालक को निकाल लेंगे, और साथ ही हम इस पर तुरंत डालेंगे थोड़े से ठंडे पानी, जिससे यह एकदम अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं और ओवर कुक होना बंद कर दें। और इसे एकदम अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे, और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, और इन सभी को डालकर अच्छे तरीके से पीस लेंगे, और साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है, और इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल, और ऑयल को एकदम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। और ऑयल एकदम अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 सूखे मिर्च और 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और साथ ही डालेंगे 1 तेज़पत्ता। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, और जब जीरा अच्छे तरीके से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 स्पून धनिया पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़े से कटे हुए अदरक, और थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन, और इन सभी को डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए प्याज, और प्याज को भी डालकर हम इसे एकदम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, जब तक यह थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। और जब प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, और इसे डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे हमारा टमाटर बहुत जल्दी से और एकदम अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर टमाटर एकदम अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही, और दही डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से कुक करेंगे, जब तक कि हमारी ग्रेवी से ऑयल अलग नहीं होने लगता। तो ये देखिए, यहाँ पर हम मसालों के साथ दही को भी एकदम अच्छे से कुक कर लिए हैं। यहाँ पर ऑयल एकदम अलग हो गया है, और मसालों में कलर कितना अच्छा आया है, और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर हमारी यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अब हम इसमें डालते हैं अपने पीसे हुए पालक, जो कि हम हरे धनिए और हरी मिर्च के साथ पीस कर रखे हैं। और यहाँ पर ग्राइंडर जार में पालक का पेस्ट बहुत ज़्यादा लगा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी ग्रेवी में सभी मसालों के साथ ऐड कर लेंगे, और इसे एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। और जब तक हमारे पनीर के सभी मसाले अच्छे से कुक हो रहे हैं, तो तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। पनीर आप अपने पसंद से छोटे या बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए, यहाँ पर हम पनीर को एकदम अच्छे तरीके से कट कर लिए हैं, और हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है। तो अब हम इसमें पनीर को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, और 4 से 5 मिनट तक इसे और पका लेंगे, जिससे कि हमारे पनीर एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। अब हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, और साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और नमक और मसाले को एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी भी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप कसूरी मेथी स्किप भी कर सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे पालक पनीर एकदम अच्छे से बनकर तैयार है। तो अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और पालक पनीर को हल्का सा ठंडा करने के बाद सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पालक पनीर को सर्व कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए इस पर डालेंगे थोड़े से क्रीम और साथ ही थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़े से कटे हुए प्याज से, जिससे यह देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे मेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।